मैंने और अभिषेक ने तय किया है कि हम दोनों बैंगलोर की कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ 3 महीने का बेकिंग और कन्फेक्शनरी का कोर्स करेंगे। अन्ना और गायत्री के मन में फिर से जगह बनाने के लिए अभिषेक तुझे और मुझे औरत का भेष बदलना पड़ेगा। दरअसल हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं। सुना है अन्ना गोखले के घर पे रसोई में मदद के लिए काम वाली बाई चाहिए। मैं चंद्रमुखी और ये मेरी बहू। चंद्रमुखी सुलक्षणा, तुम दोनों की नौकरी यहाँ पे फाइनल। आप भी इसी काम पे लग जाओ। बोल, मेरे महेंद्र ने ये रूम क्यों बुक करवाया तेरे लिए? कब से और कैसे जानती है मेरे महेंद्र को? बोल, नहीं तो मुझे मारेगी तो मैं मर जाऊंगा और तू विधवा हो जाएगी। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, ये पापा है, मैं अभिषेक हूँ। हाँ, मैं महेंद्र हूँ। मैं महेंद्र हूँ। मैं अभिषेक हूँ। क्या? अरे अभिषेक, अरे विवेक निकाल, दिखा इसको। हाँ, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। महेंद्र, आप? मींस के चंद्रमुखी और सुलक्षणा आप दोनों थे? हाँ। सॉरी। टॉप टॉप महेंद्र, टॉप एक्टिंग की है आपने। ए तू इधर आ, तो उतर आ। मेरे महेंद्र, वाह, क्या क्या एक्टिंग की आपने, कमाल। मींस के ये अपना क्या नाम है इसका, अपना पिलो नकी लेक ने भी अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। लेकिन आप तो सुपर महेंद्र। मैं तो बोलती हूँ कि अगर आप परमानेंट ऐसे चंद्रमुखी बन के रहोगे ना, तो भी मुझे चलेगा। क्यों बोलती है? मेरे महेंद्र, आपको एक्टिंग का ऑस्कर फिक्स। महेंद्र, अच्छा? नहीं, ऑस्कर नहीं, ऑस्कर नहीं, नोबेल, नोबेल, एक्टिंग का नोबेल फिक्स आपके लिए। जाने हुए, आओ ना। आओ है, अरे तू करे, अरे आती रे। सब लोग तैयार है ना? अजन्ना की बहू गायत्री को उठाना है, ठीक 10:30 बजे। हाँ, मैं उन पर नजर रखे हुए हूँ। याद रखना, आज होगी शहर की सबसे बड़ी किडनैपिंग, ठीक 10:30 बजे। एक बात बोलूं महेंद्र? हाँ। मींस क्या, आप इन कपड़ों में ठीक ही लगते हो? है? लेकिन मैं क्या कहती हूँ, आप वो चंद्रमुखी वाले कपड़े ही पहनो ना, कितने मस्त लगते हो आप। और आपका वो लपक छपक, लपक छपक, पुरिया तले छुरियां चले, खाने वाले के तिल पे कातिल कातिल कातिल। क्या मस्त तो करते हैं ना ये। मस्त मस्त, सीख सीख, कुछ सीख इनसे अभिषेक। हाँ। अच्छा महेंद्र, मैं क्या बोलती हूँ, अभी आगे क्या करने का सोचा है आपने? है आगे तो ऐसा मास्टर प्लान बनाया है उर्मी, कि अन्ना भाई और गायत्री माने ही समझो। पापा, ऐसा क्या प्लान है बताओ ना। प्लान ये है, अन्ना भाई कब? हेलो। हाँ अन्ना भाई बोलिए। हेलो उर्मिला बहन। अरे अन्ना भाई, ये आपके पीछे इतनी आवाज क्यों आ रही है? वो हम लोग टैक्सी स्टैंड पे है ना, इसलिए आ रही है। अच्छा अच्छा, आप वो सब छोड़ो, देखो आपको एक बात बतानी है। वैसे तो हम लोग ये बात किसी को भी बताने वाले नहीं थे। अच्छा। लेकिन अभी क्या है ना, आपको बतानी पड़ रही है, क्योंकि वरना हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। ओ अन्ना भाई, आप पहेलियाँ क्या बुझा रहे हैं? जो भी है सीधा सीधा पूछ लीजिए ना, बात क्या है। बात दरअसल ये है कि अच्छा मुझे है ना उस कॉलेज का पता चाहिए जिसमें वो महेंद्र भाव और अभिषेक पढ़ाई करते हैं, वो बैंगलोर की कॉलेज। अच्छा अच्छा, हाँ वो मेरे पास मैसेज में है, मैं आपको मैसेज भेजती हूँ। हाँ हाँ, भिजवा दो भिजवा दो। कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, तेरी मम्मी पता भेज रही है मैसेज की। यही है गायत्री और ये है अन्ना, हमें इसको सबक सिखाना है।
गायत्री को हम ठीक 10:30 बजे किडनैप करेंगे, ना एक मिनट इधर ना एक मिनट उधर। 10:30 मतलब 10:30। एक मिनट। हाँ तो महेंद्र, आप क्या बोल रहे थे, क्या प्लान है आगे का? वो सब छोड़, पहले ये बता अन्ना भाई को क्या मैसेज किया तूने? अरे कुछ नहीं, आप बेंगलोर में कौन सी कॉलेज में है वो पूछ रहे थे, तो आपने जो मुझे वो कॉलेज का नाम और एड्रेस भेजा था ना मैसेज में, वो भेज दिया मैंने उनको। वो दोनों बेंगलोर जा रहे हैं ना अभी। ये डूबी, ये क्या किया तूने? मैसेज डिलीट कर, मैसेज डिलीट कर। अरे अभी ऐसे कैसे डिलीट करूं, पढ़ लिया उन्होंने। और वो देखो अंगूठे वाली स्माइली भी भेजी है मुझे। उर्मिली मरवा दिया तूने हमें। अन्ना भाई और गायत्री कहीं और नहीं, बेंगलोर जा रहे हैं हमें लाने। ए भगवान, तो आप कहाँ है बेंगलोर में जो इतना टेंशन ले रहे? अच्छे तू समझती क्यों नहीं है? अरे हम दोनों बेंगलोर में नहीं है, वही सबसे बड़ा टेंशन है। हाँ? वो दोनों वहां पहुंचे और उन्हें पता चला कि मैंने और अभिषेक ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो हम मर जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये सारा प्लान हमने ही किया था। अभिषेक हमें अन्ना भाई को रोकना होगा। हाँ। कहाँ है, कहाँ अन्ना भाई? हाँ? अन्ना भाई कहाँ है? टैक्सी स्टैंड। भाग अभिषेक भाग। चला बाबा। कभी आएगी टैक्सी पिक्सी? आएगी अन्ना। वो रहे पापा, जल्दी जल्दी हमें ऐसे दिखाना है कि अभी अभी बेंगलोर से आए। हाँ भैया, तो मुझे मत सिखा। हाँ। सारा प्लान मेरा ही तो है। अभी मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ? पहले उन दोनों को रोकते हैं जरा, चलो। 10:30 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। ए बाबू चल गाड़ी चला, ए उठा ले गायत्री को। ए छोड़ो गाड़ी। ए ए ए रुक, ए ए ए ए रुक रुक गायत्री। खोल जल्दी खोल। हम लोग पुलिस को बोल देंगे। हाँ मेरा एक पहचान वाला है। एक मिनट, पुलिस को फोन करने की गलती मत करना और हमारा फोन ना उठाने की गलती तो बिल्कुल मत करना। रात ठीक 10:30 बजे हमारे फोन की राह देखना। साढ़े दस बजे वो उठा के गया मेरी गायत्री को, उठा के। अरे ऐसे कोई उठाता है क्या? उठा के गए मेरी गायत्री को, उठा के। अभी इनका ग्रामोफोन रिकॉर्ड शुरू हो गया बेचारे का। अन्ना मेरी गायत्री, मेरी गायत्री कहाँ चली गई? अन्ना मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ अभी? अन्ना मेरी गायत्री मुझे लौटा दो अन्ना प्लीज। उर्मिला बहन अभी आप ही इन दोनों को समझाओ ना, मैं मानता हूँ मैं अपराधी हूँ करके। ओ अन्ना भाई, कोई अपराधी अपराधी नहीं है आप। महेंद्रा चुप हो जाइए अभी आप। और तू भी, अपना क्या नाम? प्रभाकर। आपका नाम नहीं पूछ रही हूँ भाई मैं, अभी ये अभिलाष का नाम पूछ रही थी जो अभी मुझे याद आ गया है। अभी हमें आगे क्या करना है ये सोचिए। मम्मी उस किडनैपर ने इस चिट्ठी में लिखा है कि वो 10:30 बजे फोन करेगा। मोबाइल पे? नहीं, वो किसके मोबाइल पे वो पूछने जा रहा था? अन्ना भाई के मोबाइल पे। एक मिनट, आपको कैसे पता? ऐसा तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अरे सब कुछ लिख के देगा क्या वो? गायत्री जब किडनैप हुई तब अन्ना भाई के पास थी, तो वो लोग अन्ना भाई को ही फोन करेंगे ना? बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है तुझमें। शांत महेंद्र, शांत अवे।
नहीं रहूंगा शांत में। बेटी किडनैप हुई है मेरी, तू नहीं समझेगी। मैं नहीं समझूंगी? मैं नहीं समझूंगी? बेटी आपकी अकेली की है वो? मुझे क्या आया रखा है आपने? चुप, एकदम चुप हो महेंद्र, एकदम चुप। कब से देख रही हूं मैं दोनों बच्चों की तरह लॉलीपॉप खो गई हो ना, ऐसे पैर पटक पटक के रोए जा रहे हैं। अरे जरा ये अन्ना भाई और उनकी वाइफ, जिनका नाम मुझे अभी याद आ जाएगा लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जोत्सना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? है इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं है ना भाई। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि देखो मैं भूल गई अभी क्या है इम्पोर्टेंट। हम दोनों हाँ, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि जरा इन दोनों का हाल तो सोचो। मेरी बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं ये दोनों। तो अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब मिलकर एक दूसरे को हिम्मत दें और ये सोचिए कि ऐसा कर कौन सकता है। हो ना हो ये काम उस सुलक्षणा और चंद्रमुखी का ही है। अभी इसमें भी चंद्रमुखी? हाँ। अरे हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। और वैसे भी आज वो दोनों काम पे भी नहीं आई। हाँ, और निर्मिति कह रही थी कि उन दोनों का मोबाइल भी बंद आ रहा है। अच्छा? हाँ। अरे ना ना अवे बेन, वो दोनों बिचारी ऐसा कर ही नहीं सकती है क्या अभी? और मेरी चंद्रमुखी तो बिचारी। मेरी चंद्रमुखी खत्म। मिली चंद्रमुखी मुझे बिचारी ऐसा बोल रही थी। मैं कि मिली चंद्रमुखी बिचारी बाहर, तो वो बोल रही थी मुझे कि उसका पति मर गया। बेन बोलो। वो तो पहले ही मर गया है। सॉरी पति बोली मैं, बेटा मींस के उसका बेटा, उसको है ना जरा फ्रैक्चर। हाँ मम्मी वो भी मर गए। सबको मार डाला? अरे किसी को तो जिंदा रखना चाहिए था। मैंने थोड़ी मारा है। सबको मार डाला? अरे किसी को तो जिंदा रखना चाहिए था। मैंने थोड़ी मारा है। ऐसा वो चंद्रमुखी फरियाद करने जा रही थी भाई भगवान के पास के सबको मार डाला, किसी को तो जिंदा रखना चाहिए था। पति बेटा सब आज खुश तो बहुत होंगे तुम हैं? ऐसा सब जाने वाली थी वो करने को मंदिर में, इसलिए नहीं आई होगी काम पे। ये सब आपको कह के गई वो? अरे किसने किसको क्या कहा वो सब छोड़ो। हाँ। और ये सोचो कि किडनैपर पर फोन करके क्या कहेगा। अरे गायत्री वहीनी, आपकी इधर उधर चक्कर मारने से गायत्री मिल नहीं जाएगी। और क्या सोच कह रही हैं आप? दामोदर काका हैं? मेरे दामोदर काका कहते थे पेट भूखा तो विचारों का सूखा, मतलब पेट भूखा हो तो अच्छे विचार नहीं आते। और बाहर सारे लोग भूखे हैं, उन्हें गायत्री को घर कैसे लाना है इसका अच्छा विचार नहीं आएगा तो गायत्री घर कैसे आएगी। अरे लेकिन ऐसे समय पे सबको खाने के लिए पूछना अच्छा नहीं लगेगा वहीनी। छे, मैं सबको पूछने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अन्ना को पूछने की बात कर रही हूँ। मैं अभी आती हूँ। ऐसे समय पर अगर पूछने गई ना, अन्ना खाने में क्या बनाऊ तो अन्ना आपको ही खा जाएंगे। बरबर एक मिनट। आया अन्ना भाई, किडनैपर का फोन आया। हेलो हेलो हेलो। तुम तो लेडीज हो, ये लाइन में लेडीज लोग भी आ गए क्या अभी? हेलो हेलो। देखो मैं तुमको कसम देता हूँ, तुम है ना कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। हाँ ऐसा वैसा कैसे करूँगी अन्ना, आप जो बोलेंगे वही करूँगी। अन्ना बुलाती है मुझे,
मींस क्या आपके पहचान वाली कोई लेडीज होगी है? चंद्रमुखी। अच्छा देखो अभी तुमने ऐसा बोला ना कि जैसे मैं बोलूंगा वैसे तुम करोगी। हाँ ना। तो मेहरबानी करके छोड़ दो ना उसे। चिल्लाई क्यों? चिल्लाई ऐसा क्या किया तुमने कि वो चिल्लाई? आपने कहा छोड़ दो तो मैंने चम्मच छोड़ दिया, निर्मिति के ऊपर गिरा। निर्मिति? निर्मिति का भी अपहरण किया है। एक मिनट माला दे। हेलो किडनैपर वहनी। किडनैपर? बहन जी ये देखिए एक गलत है, एक ही घर से दो दो औरतों को उठा लिया आपने। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, अब सोचिए ना उनका टिफिन होता है, हमारा चाय नाश्ता खाना पीना ये सब कौन बनाएगा? मैं केशव गोखले आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ वहनी, प्लीज प्लीज निर्मिति को। केशव मैं निर्मिति बोल रही हूँ, कोई किडनैपर नहीं है यहाँ। ये तो वहनी ने फोन किया है अन्ना को खाने में क्या बनाऊ पूछने के लिए। भारती वहनी किचन से। भारती वहनी किचन से। हाँ भारती बोलो। अन्ना खाने में क्या बनाऊ? खाने में वो रसोई में चटनी पीसने का पत्थर है ना वरवंटा, वो बाहर लेके आ। बराबर है। और उससे मेरा सिर फोड़ दे, उसमें नमक मिर्च डाल और वो खा ले और बाकी सब लोगों को भी खिला। लेकिन अन्ना। बस लेकिन नहीं फेंकें, अभी कभी भी ऐसे बात मत करना मेरे साथ में। क्या करूं इस भारती का? मेरी भारती? पकड़े जाओगे। देखिए मैडम आप हमें डराइए मत, हम लोग ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं। जिस उम्र में बच्चों को एनआईटी यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम देने चाहिए, तुम लोग किडनैपिंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? देखिए आप ये परीक्षा पढ़ाई बोल बोलकर हमें मम्मी डैडी की याद मत दिलाइए, वो तो कभी समझे नहीं, लेकिन आप तो समझिए, हम पढ़ लिख कर टाई लगाकर ऑफिस में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए। अच्छा तो क्या जेल में सड़ने के लिए पैदा हुए हो? कोई अंतर नहीं आप में और ललिता आंटी में। कौन ललिता आंटी? मेरी पड़ोसन, एक बार नाटक में सुपरमैन का रोल करने के लिए मैंने उनकी पति की लाल लुंगी क्या चुरा ली, मेरे घर में पुलिस ले आई। नाटक? सच्चे कलाकार की इस देश में कोई कद्र है ही नहीं। कलाकार क्या बोल रहे हैं? अरे नाटक यानी कि नाटक, और मैं भी नहीं अटकूंगा, जो रोल मिला है ना बखूबी निभाऊंगा। किडनैपर बनाऊ, ऐसा किडनैपर बनूंगा, ऐसा किडनैपर बनूंगा कि आपके घर वाले फोन पे मेरी आवाज सुन के बोलेंगे वाह क्या किडनैपर है। आया आया अन्ना भाई, पहले नाम देख लेना फिर ही उठाना, अगर किडनैपर होगा ना तो ही फोन लेना। हा? अरे ये किडनैपर का नाम मेरे फोन में कैसे होगा उर्मिला बहन? गायत्री का नाम आ रहा है। हाँ मतलब किडनैपर का होगा, स्पीकर पर रखो स्पीकर में। हेलो किडनैपर बोल रहा हूँ अन्ना साहेब। हाँ नमस्ते, बाड़े कृष्ण गोखले बोल रहा हूँ। आपकी बहू हमारे कब्जे में है, अगर वापस चाहिए तो पूरे 1 करोड़। अरे 1 करोड़ क्या भाई, तू 2 करोड़ ले ले। 2 करोड़? हाँ? नहीं दो नहीं, दो नहीं, तीन 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 करोड़ ले ले। नहीं नहीं तीन नहीं, पांच पांच ले ले, पांच भी नहीं, 10 करोड़ फाइनल 10 करोड़। अरे अरे क्या क्या बोल रही है तू उर्मिला? ओ भाई आपने 1 करोड़ बोला ना हमने दिए, लेकिन अगर गायत्री को कुछ हुआ ना तो तेरे पैसे काट दूंगा मैं। पापा ए महेंद्र बाबू क्या क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? मेरा मतलब है हाथ पैर काट दूंगा तेरे। नहीं नहीं देखो किडनैपर भाऊ, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और आप भी ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। हाँ आपको जितने भी पैसे चाहिए ना हम लोग दे देंगे,
अब सिर्फ पता बता दो कि पैसे कहाँ आकर छोड़ने के है। अन्ना एक फूटी कौड़ी मत देना इसको। गायत्री गायत्री वो सब आपको मैं अगले फोन पे बताता हूँ, कल ठीक 10:30 बजे। हाँ हम लोग 10:30 बजे आपके फोन की राह देखेंगे, हर बार 10:30 बजे। मारूंगी पकड़ के। ना कल 10:30 बजे तक 1 करोड़ का इंतजाम नहीं हो पाएगा। अरे होगा, घर गहने जो बेचना पड़े बेचेंगे। मैं अपने सारे गाने भी देने को तैयार हूँ। अरे क्यों गायत्री के जान के दुश्मन बन रहे हो प्रभाकर दादा? एक मिनट, गायत्री को कुछ नहीं होगा, मैं इसी फोन की राह देख रहा था। कोई नहीं है, हम लोग अभी पुलिस को बता के रखेंगे। और कल 10:30 बजे जब गायत्री के फोन से किडनैपर का फोन आएगा ना, तो पुलिस तुरंत पता लगा लेगी कि वो फोन किधर से आया है करके, और किडनैपर पकड़ा जाएगा। पुलिस? नहीं अन्ना भाई, पुलिस नहीं। देखिए किडनैपर ने साफ साफ कहा है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो गायत्री को। नहीं अन्ना भाई, मैं आपको इतना बड़ा रिस्क लेने नहीं दूंगा। अरे लेकिन वो... नहीं अन्ना, पापा बराबर बोल रहे, हम पुलिस में नहीं जाते, रिस्क नहीं लेते। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। पुलिस नहीं, मेरी गायत्री की जान को खतरा है अन्ना भाई, पुलिस नहीं। हाँ अन्ना, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं।